आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया क्या है? আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই রিয়াকশন ভিডিওতে এমন একটি ভিডিও আপনার সাথে শেয়ার করতে চলেছি, এমন একটি ইন্ডিয়ান মেয়ের ভিডিও আপনার সাথে শেয়ার করতে চলেছি যে মেয়েটি মুসলমানদের ব্যাপারে, যে মেয়েটি ইন্ডিয়ান মুসলমানদের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেন, ইন্ডিয়ান মুসলমানদের হয়ে এমন কিছু কথা তিনি বলেছেন তার রিয়াকশন ভিডিওতে, যা শুনলে আপনি অবাক হবেন। গোটা ইন্ডিয়া জুড়ে হয়তো এরকম মেয়ে খুব কম খুঁজে পাওয়া যাবে, একজন হিন্দু মেয়ে হয়েও মুসলমানদের বিষয়ে এমনভাবে তিনি কথা বলেন। রিয়াকশন ভিডিওর মধ্য দিয়ে তিনি মুসলমানদের হয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেন এবং মুসলমানদের আসল চেহারা দেখার চেষ্টা করেন, যা দেখলে যা শুনলে আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না। দর্শক, আগে থেকে যদি আপনি মেয়ের সম্পর্কে জেনে থাকেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই, যদি না জানেন তাহলে এই ভিডিওর শেষে আমি তার নাম, তার চ্যানেলের নাম এবং তার সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলবো। তো চলুন তার পুরোপুরি ভিডিওটি, তার রিয়াকশন ভিডিওটি আমরা আগে দেখি, তারপরে এ বিষয়ে আরও কথা হবে শেষের দিকে। आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता, तभी तो ये अंधभक्त लाख कोशिशें कर ले पर फिर भी इस्लाम के खिलाफ इतनी सी भी नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर सकते, मिटाना तो बहुत दूर की बात है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेकर के आई हूँ। खुशबू पांडे जैसी दहशतगर्द, आई ऑलवेज से इट कि वो एक टेररिस्ट मेंटालिटी वाली लड़की है, तो उनका आमना सामना हुआ है एक मुस्लिम हिजाबी बहन से, और मैं सच कहूँ तो मैं यही रिकमेंड करूंगी मेरे प्यारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कि आप कभी भी ऐसे किसी गुट में जाकर के जहां पर अंधभक्त मौजूद हो किसी डिबेट का हिस्सा मत बनिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके बर्थ राइट से आपको दूर करने की बात कर रही हूँ, बल्कि सच ये है कि इन अंधभक्तों के अंदर अक्ल की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, इनकी हरकतों पे इनका खुद के कॉन्शियस का कंट्रोल नहीं होता, ये कभी भी वॉयलेंट हो सकते हैं। इसलिए आई नेवर वॉन्ट कि कोई इनोसेंट मासूम इंसान इन लोगों से जाकर के बहस करे। आई होप यू आर गेटिंग माई कंसर्न एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये अपने आप को सनातनी क्लेम करती हैं, पर हमारे शुद्ध वैदिक महान धर्म सनातन से ये कोसों दूर हैं, क्योंकि जो भी हिंदुस्तानी भाई भारत में रहता है, जाहिर सी बात है कि हम हिंदू बहुमत में हैं, तो उस मुसलमान के हिंदू फ्रेंड्स भी होंगे एंड वी हैव ऑलवेज लिव्ड peacefully together, तो इस शांति को ना कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो यूपी के अंदर विकास हुआ। आज मैं मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी आज मीटिंग पूजा पंडित से हो गई है। पूजा पंडित ओके, ये खुशबू पंडित अभी इससे पहले इन्होंने कहा था कि मैं बात आपसे ही करने आई हूँ, आपसे ही मिलने आई हूँ। हमेशा सोचती थी कि यार आप जब भी बोलती है तो या तो किसी एक धर्म को ऊपर, ठीक है अगर आपको लगता है, आपने मेरी सारी वीडियो सुनी है अच्छे से, एकदम अच्छे से, नहीं इतना किसके पास टाइम है कि अगर आपको आधा ज्ञान होगा, अगर आप मेरी आधी वीडियो देखेंगे उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। तो ऑब्वियसली आप मेरे खिलाफ अगेंस्ट लेंगी कुछ करेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों ने मेरा चेहरा पता है क्या बनाया, मैं खुशबू पांडे मुसलमान धर्म के अगेंस्ट है, मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ। फस प्यासी है। मैं देश के जय चंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के विरुद्ध। आप ये बताएं जिहादी होते कौन है? अभी बजा आएगा ना ब्लू जिहाद का मतलब बताया। अबे जल्दी बोल, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ आपके दोनों जिहाद का मतलब, मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रही हूँ ना? नहीं नहीं, ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, अच्छा क्वेश्चन
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया है, एंड आपके अकॉर्डिंग ये दो जिहाद है? मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब है, मैंने कहा जिहाद का मतलब है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं कुरान को कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का, कुरान का लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया। क्या है ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप मेरे मैं आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है? चुप कर बे कुत्ते। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपने क्या कहा कि वो हर वो इंसान जो मेरी संस्कृति का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है, तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये? वेरी करेक्टली सेड सिस्टर, कि आपने कुरान शरीफ से उसको कैसे अटैच कर दिया। हाँ, बहुत गलत बात है जो पब्लिक में हो रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग। और मैं जिहाद का मतलब क्लैरिफाई करना चाहूँगी। कुरान शरीफ के अंदर अरबिक में एक वर्ड होता है जदा, उससे वो डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्ट्रगल, टू स्ट्राइव। अब ये जो स्ट्रगल है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है कोई पीसफुली स्ट्रगल कर रहा हो, अपनी खुद की इंद्रियों पे काबू पाना चाह रहा हो। जैसे हमको कभी जंक फूड खाने का मन करता है कि यार आज ना समोसे खा लेते हैं, पर हमें पता है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो हम स्ट्रगल करते हैं कि ओके वी आर गोइंग टू कंट्रोल आवर सेल्फ, और फिर बाद में हम कुछ हेल्दी नमकीन बना करके खा लेंगे, राइट? तो उसे बोला जाता है जिहाद। हो सकता है कोई बैटल हो रहा हो और बैटल में एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम के साथ फाइट कर रहा हो, तो अपने आप को बचा रहा हो, उसे भी कहा जा सकता है जिहाद। आई होप जो इसका मूल मीनिंग है, अर्थ है, वो आप समझ गए होंगे। एंड आई लिटरली पिटी ऑन द मीडिया कि यार इन लोगों ने इतने अच्छे शब्द का कितना गलत मीनिंग निकाल के रख दिया है ना, लव जिहाद। इसको कुछ और नाम भी दिया जा सकता था, जैसे कि फ्रॉड, बट नहीं, इनको तो कुरान शरीफ, कुरान करीम को टारगेट करना है। तो आई स्ट्रॉन्गली स्टेट दैट इन फ्रंट ऑफ यू कि कभी भी न्यूज़ पे कोई एंटी मुस्लिम डिबेट चल रही हो तो आप उसे ना ही सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें से अगर आपने कुरान शरीफ की कुछ आयतों का मीनिंग समझ लिया तो ये ऐसे हो गया जैसे कि आप ग्रेजुएट हो रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। अच्छा सुनिए, अभी ओझा सर ने बहुत करारा जवाब दिया है खुशबू पांडे को, लेट्स लिसन इट। वेरी हैप्पी राजाओं को पढ़ना चाहेंगे जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, जिनकी वजह से हमारे देश के मंदिर, हमारी मूर्तियां जिंदा हैं, उनको पढ़ना चाहेंगे, या उनको पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने हमारी औरतों के तन से उनका सलवार खींचा और हमारे मर्दों को काट कर मुसलमान बनने पर मजबूर किया। अच्छा। आप किनको समर्थन करेंगे सर? और पठान, अच्छा। मुगल अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पर जिब्राइल मेरे सपने में आए थे इस्लाम में, ऐसे इस्लाम में जिब्राइल है, तो बोले जिब्राइल मेरे सपने में आए और बोले कि हिंदुस्तान में तुम इस्लाम दारुल इस्लाम बनाओ, इस्लाम हिंदुस्तान को, सबको मुसलमान बना दो। उसने कहा वाह बताओ मौलाना, किस देश का शहंशाह कौन? बोले सरकार आप। तो बोले अगर जिब्राइल को कुछ कहना है तो हमसे आगे कहें। वेरी क्लियर, तुमसे कहने की क्या जरूरत है? चलो चलो मान लिया तुमसे कह दिया, एक महीने का टाइम दे रहा हूं, जिब्राइल को बोलो ये बात मेरे सपने में आके कहे। सपना तो सपना, एक महीना बीत गया, जहांगीर के सपने में कोई आया नहीं, 12 साल शेख अहमद सरहिंदी को जेल में रखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये जो बात ओझा सर ने बताई, इसके बाद कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता दोस्त। आई सल्यूट हिम फॉर ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ। और मैंने अक्सर तौर पर देखा है कि ये मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, उनकी जो असल हिस्ट्री है उसको उजागर करते हैं, और इस देश के अंदर ये काम करना बहुत बहुत प्यारी बात है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स तो यही चाहते हैं कि हम डिवाइड हो जाएं और वो रूल करें। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को बहुत अच्छे से तहे दिल से समझा है उन लोगों ने, कभी इस घटिया पॉलिसी का शिकार मत बनना। अच्छा चलिए, इस्लाम यानी कि सच पे हमारी इतनी कॉन्वर्सेशन हो गई है, तो देश के एक सच्चे मुसलमान को सुन लिया जाए। चलिए मान लिए हमने बंदे मातरम कह दिया, ठीक है, आपका कहना यह है बंदे मातरम को मानना, हमने कह दिया बंदे मातरम, ठीक है, इससे देशभक्ति का सबूत आ गया, और मैं कोई गलत काम कर दूं फिर उसके बाद फिर आप कहोगे देशभक्ति का, तो उसने सबूत दिया था, तो बस इतनी सी चीज का सपोर्ट चाहिए आपको तभी मानेंगे आप। हमने हिंदुस्तान के बारे में, अगर हमारी बात की जा रही है, तो हमने इस हिंदुस्तान के बारे में इतनी तारीफ लिखी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता किसी का, मजहब नहीं सिखाता, हमारा मजहब भी नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो हमने तो इस हिंदुस्तान की तारीफ करी है, और तमाम चाहे सरहदों पे, हमें सरहद के पार भेजने की कोशिश मत करो, हमें सरहद तक भेजो, ठीक है। सरहद पे आने के बाद चाहे वो किसी मुल्क का भी हमसे लड़ने के लिए आएगा, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान के लिए। गोल्डन वर्ड सेड बाय आवर वेरी ओन मुस्लिम ब्रदर, ही सेड कि हमें सरहद के पार मत भेजो, हमें सरहद तक भेजो। और वहां पे अगर हमारे देश के अगेंस्ट हमसे कोई बैटल करने लड़ने के लिए आता है, तो हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। और ये सच्चाई है, एक बार इतिहास के पन्ने पलट कर देखना, आपको महान महान मुसलमानों के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी है इस वतन के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसितां हमारा, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अलामा मोहम्मद इकबाल साहब के ये शब्द हैं, जो खुद एक मुसलमान हैं। खैर, इन अंध भक्तों को समझाना जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। चलिए, जब एक सच्चे मुसलमान को सुन ही लिया, तो एक सच्चे सनातनी को भी सुन लिया जाए। के मुसलमान उस खुदा का बंदा है जो इबादत की सफेद टोपी पहनकर और सफेद ड्रेस पहनकर उस खुदा के दरबार में जाता है और कहता है कि ये खुदा महफूज रखना उन सबको जो मेरे देश में रहते हैं, सलामत रखना उन सबके घरों को जो तेरी रहमत में बसते हैं, और कभी कोई भूखा ना सोए मेरे खुदा, क्योंकि ये तेरे दरबार में रहते हैं। बात है। तो दर्शक, এই ভিডিওটি দেখে নিশ্চয় আপনি অনেক মজা পেয়েছেন। এই মেয়েটির নাম হচ্ছে নিধি শর্মা, ইন্ডিয়ার নিধি শর্মা। তার চ্যানেলের নাম হচ্ছে কেলায়া রিয়্যাক্টস, এরকম নাম আছে কেলায়া রিয়্যাক্টস। তো স্ক্রিনশট তার লাগিয়ে দিচ্ছি, আপনি সেই চ্যানেলটি ঘুরে দেখতে পারেন। অনেক 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 মজার মজার তিনি ভিডিও বানান, মুসলমানদের পক্ষ থেকে অনেক ভালো ভালো কথা বলেন। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে মুসলমানদের বদনাম করার জন্য একদিকে যেমন ছেলে মেয়ে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে, তাদের মধ্য থেকে কিছু হিন্দু মহিলা, হিন্দু পুরুষ, হিন্দু অনেকে আছে যারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে কথা বলছেন। ভারতের দুর্বল মুসলমানদের প্রতি যখনই যখনই অত্যাচার হয়েছে, তখনও এরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগলো, ভিডিওটি বেশি বেশি লাইক এবং শেয়ার করবেন, যাতে করে সবাই ভিডিও দেখে হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্থাপন রাখতে পারে।